हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिक गैलरी पर। यहाँ पर आपको क्रिकेट की हर छोटी बड़ी खबर मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे इंग्लैंड की घरेलू क्रिकेट लीग T20 ब्लास्ट के फाइनल मुकाबले के बारे में। इंग्लैंड की घरेलू क्रिकेट लीग T20 ब्लास्ट के फाइनल मुकाबले में जमकर ड्रामा देखने को मिला। इस मैच में पहले हैम्पशायर के खिलाड़ियों ने खिताब जीतने का जश्न मना लिया। इसके बाद अंपायर ने बताया कि आखिरी गेंद नो बॉल थी और सभी खिलाड़ियों को फिर से फील्डिंग के लिए जाना पड़ा। अंत में हैम्पशायर की टीम यह मैच एक से जीतने में कामयाब रही। अब इस लीग के आखिरी ओवर का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह फाइनल मैच क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक फाइनल मैच में से एक है। फाइनल मैच के आखिरी गेंद में लंकाशायर की टीम को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। इंग्लैंड लीसन स्ट्राइक पर थे, जिन्होंने हाल ही में भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था। वही गेंद ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नाथन एलिस के पास थी। एलिस ने शानदार यॉर्कर गेंद की और ग्लीसन क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद हैम्पशायर हॉक्स के खिलाड़ी जीत का जश्न मनाने लगे। मैदान के बाहर हैम्पशायर की जीत की खुशी में आतिशबाजी भी होने लगी। इसके बाद अंपायर ने बताया कि एलिस की आखिरी गेंद नो बॉल थी और जश्न मना रहे खिलाड़ियों को पहले की तरह फील्डिंग में जाने के लिए कहा। हैम्पशायर के खिलाड़ियों की खुशी गायब हो चुकी थी और सभी के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। आखिरी गेंद में फ्री हिट थी और अब लंकाशायर को जीत के लिए सिर्फ 4 रन की जरूरत थी। इस बार एलिस ने धीमी गेंद की और ग्लीसन गेंद पर बल्ला भी नहीं लगा सके। हालांकि बल्लेबाजों ने पारी के 2 रन भाग लिए और अंत में हैम्पशायर की टीम 1 रन से मैच जीत गई। टीम के खिलाड़ी दूसरी बार जीत का जश्न मनाने लगे। हालांकि इस बार के जश्न में पहले की तरह उत्साह नहीं था। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए।